दोस्तों, अमृतसर में दूसरे दिन के व्लॉग में आपका स्वागत है। रात को हम यहाँ आशा गेस्ट हाउस में रुके थे। ये गेस्ट हाउस का किराया है 800 रुपया डबल ऑक्यूपेंसी के लिए। यहाँ से गुरुद्वारा मुश्किल से 500 मीटर का डिस्टेंस है। आपको सीधा दिखा रहा हूँ, वहीं पर चलते हैं और आगे की जर्नी शुरू करते हैं। चलिए बाकी हम आगे जाके दिखा रहे हैं कि क्या है। आगे सामने व्हाइट वाला बिल्डिंग है, वहीं पर जाते हैं। वहां से अंदर गुरुद्वारा जाने का लिए रास्ता है। दोस्तों, आपको पता है सामने जो लॉरी में लकड़ियाँ पड़ी है, वो लकड़ियाँ किस काम के लिए आती है। यहाँ पर लंगर में जो खाना पकता है, ये इस लकड़ी से ही पकता है। मैं कोई भी चाय पिया नहीं है, तो सोचता हूँ कि चाय पीना है। देखते हैं आगे कुछ चाय या कॉफ़ी की दुकान मिल जाए। चलो, ये चाय की दुकान मिल गई, यहाँ पर कॉफ़ी टेस्ट करते हैं। हमारी बढ़िया सी कॉफ़ी आ गई है, चलो कॉफ़ी पीते हैं और बताते हैं कि कैसी है। कॉफ़ी बहुत बढ़िया बनाया है, मज़ा आ गया। दोस्तों, सामने जो बिल्डिंग दिखाई रही है, वहाँ पर हम हमारे जूते रखने जा रहे हैं। बिल्डिंग का नज़ारा देखो अंदर से कैसा है, किसी महल से कम नहीं है। मॉर्निंग व्यू ऑफ गोल्डन टेम्पल, देखिए क्या नज़ारा है, दिल खुश हो गया, वाकई काबिले तारीफ। ये गोल्डन टेम्पल का नीचे का जो फ्लोर बनाया है, पूरा मार्बल से बनाया है। अभी अमृतसर की ठंड और ये मार्बल का ठंड, मेरे पैर ने तो जवाब देना चालू कर दिया है। पंजाबी तो वैसे मुझे पढ़नी नहीं आ रही, मगर इस गुरुद्वारे का नाम है हरमिंदर साहिब। यानी हरमिंदर साहिब का मतलब ये होता है कि हरि प्लस मंदिर, यानी हरि का मंदिर। यहाँ पर जो ये लेक दिखाई दे रहा है, पूरे सुकून वाली जगह है। यहाँ पर आइए, पूरा एक्सपीरियंस करिए और हमें कमेंट करके बताइए ये क्या जगह है। हम यहाँ दर्शन के लिए क्यू में खड़े हो गए हैं। देखते हैं कितने टाइम में हमारा नंबर लगता है। क्या देखो भीड़ कितनी है। हम अंदर दर्शन करने के बाद वापस आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे ट्यून।
हमने दर्शन कर लिए, माथा टेक दिया, अभी वापस हम बाहर निकलते हैं और वापस वही नज़ारा एक बार और दिखा देते हैं। फिर उसके बाद हम मार्केट की ओर जाएंगे। यहाँ से मार्केट शुरू हो गया है, धीरे धीरे दुकान भी खुलने लगी है। चलो धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ से आगे जाने के बाद हमको सीधा जलियाँवाला बाग आ जाएगा। थोड़ा आगे जाएंगे, लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे, जलियाँवाला बाग जाने का रास्ता यहीं से है, मगर पहले पीछे का गेट आएगा। जलियाँवाला बाग के अंदर एंट्री करने के लिए हम और थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। वहाँ पर चार रास्ता आएगा, वहीं से अंदर जाना है मेन गेट की है और एंट्री लेने के लिए। मार्केट में हमें कई सारी और चीज़ें दिखाई देगी, जैसे कि अमृतसरी लस्सी, अमृतसरी छोले कुलचे, कपड़े, टॉयस। वैसे तो लोग बोलते हैं कि अमृतसर की लस्सी की बात ही कुछ निराली है, तो हमने भी लस्सी का टेस्ट कर लिया, मगर हमें हमारे सूरत की जैसी लस्सी का टेस्ट तो नहीं मिला। यह है अमृतसर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मार्केट। यहाँ पर शोर वगैरह ज़्यादा है। देखो बिल्कुल सामने आप गुरुद्वारा की भी दर्शन कर सकते हो, दूर से जो गोल्डन कलर का दिख रहा है सामने, वही। यहाँ पर व्हीकल्स अलाउड ही नहीं है, गवर्नमेंट ने इधर व्हीकल चलाने के लिए बैन कर दिया है। सब लोग पैदल ही जाते हैं, पैदल ही खरीदी करते हैं, पैदल ही खाना खाते हैं। सामने आपको एक लाल गेट दिखाई दे रहा है, वहीं से जलियांवाला बाग की जाने के और मेन एंट्री गेट है। ये जगह, ये रोड, ये फुटपाथ बोलते हैं, ये काफी साफ सुथरा है, पूरा मेंटेन किया हुआ है। मजा आ गया ये जगह पे आके, हैट्स ऑफ। को जो ये व्हाइट कलर का स्टेच्यू दिखाई दे रहा है, हमारे हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, जो एक ही पत्थर में से ये मूर्ति बनाई गई है। बिल्कुल हमारे पीछे की ओर जलियांवाला बाग का मेन एंट्री गेट है, यहाँ पर एंट्री फ्री है। चलिए जाते हैं, अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर चेकिंग हो रही है। ये अंदर जाने का रास्ता बिल्कुल कंजेस्टेड है, एक गली जैसा ही है। थोड़ा आगे जाते हैं, गली में आपको कुछ स्वतंत्र सेनानी के स्टेचू दिखाई देंगे, काफ़ी कमाल का लग रहा है। अभी हम पूरी तरह से अंदर आ गए हैं, यहाँ पर काफ़ी तरह वहाँ तक आप देख रहे हो, टूरिस्ट वो आ सब चुके हैं। वही जगह है पूरा, इतने में आ जाता है। चलो अभी पहले हम आर्ट गैलरी की ओर जाते हैं, सुंदर नज़ारा दिखाते हैं। मैं यहाँ का मेन चीज़ तो मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेते हैं। ये गैलरी है,
ये गैलरी का 360 व्यू आपको दिखाते हैं, पूरा घूम के देख लीजिए कैसा दिख रहा है और कितने एरिया में फैला हुआ है। अभी हम गैलरी से बाहर आ चुके हैं। ये जगह का गार्डन काफी मेंटेन किया हुआ है। आपको सामने कुछ दिखाई दे रहा है, वही मेन चीज है यहाँ की। दरअसल बात है 13 अप्रैल 1919 की, बैसाखी का दिन था। तब रोलेक एक्ट नाम का एक कायदा था, वो उसके विरोध में सब लोग यहाँ पर जमा हुए थे, जिसमें जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर, उसने आकर उस भीड़ में गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मर गए और 2000 से ज्यादा अधिक व्यक्ति घायल हुए। आपको सामने दीवार पर जो व्हाइट कलर के ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, वही गोली के निशान है। एक हिसाब से देखने जाए तो ये जगह एक इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट ही है। हमारे इंडिया को फ्रीडम हुए ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक इंडिया वालों ने ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर को बचाए रखा है, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों हमें ये ब्लॉग बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है क्या चीज़ है,
इसी से जान के आपको इसके बारे में आगे बताते हैं। जानने के बाद पता चला इसे स्मारक समाधि कहते हैं। वैसे तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मगर ये देखने जाए तो एक टूरिस्ट पॉइंट ही है। यही जलियांवाला बाग में एक दूसरी जगह भी है जहां पर आपको बुलेट्स के कई निशान दिखाई देंगे। देखो काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं ये जगह को देखने के लिए। अंग्रेज लोग कितने निर्दयी थे, हमारा तो खून ही खून उठता है। ये दीवार का भी काफ़ी महत्व है क्योंकि ये दीवार के ऊपर 36 बुलेट्स के निशान है। यह जगह पे काफ़ी लोग रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद ये रिलैक्स करने का जगह ही होगा। ये हमारा एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है जो सीधा हमें मार्केट की ओर ले जाएगा। दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा ये जलियांवाला बाग और ये पूरा एपिसोड कैसा लगा। दोस्तों डोंट मिस अवर लेसर शो पार्ट। अब हम जलियांवाला बाग देख के बाहर आ गए हैं। मार्केट में कुछ देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद 2 बजे हम बाघा बॉर्डर की ओर जाने वाले हैं जो यहाँ से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखो यहाँ पूरा मार्केट पूरे एक जैसी दुकान है, सबके कलर एक जैसे। दोस्तों ये मार्केट का नाइट व्यू है, काफ़ी चहल पहल है देर रात तक। अभी रात को सिर्फ 10 बजे है।